आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। उसके लिए हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया है और उसमें ये अजवाइन डाला है। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में घी इतना डालना है जिससे इस टाइप से ये गोले बन जाए। अगर आप चाहे तो और भी घी ऐड कर सकते हैं। अब हम मैदे को गूंथना स्टार्ट करेंगे। गूंथने के लिए हमने थोड़ा सा इसे पानी को कुनकुना कर लिया है और कुनकुने पानी के साथ अब हम मैदे को गूंथेंगे। हमने आटे को गूंथ लिया है। इसे हम थोड़ा कड़क गूंथेंगे। जो नॉर्मल रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा कड़क गूंथेंगे और गूंथने के बाद इसे 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसे छोटे छोटे लोए में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। हम हल्का सा मैदा लगा के इसे बेलेंगे। मैदे को बेल लिया है। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे। बीच में से कट करने के लिए हम चाकू पर पानी लगाएंगे और इस टाइप से कट करेंगे। अब हाफ पूरी को उठाएंगे। और इसके हाफ पार्ट पर पानी लगाएंगे और जिस पर पानी लगाया उसको नीचे रहने देंगे और इसको इस टाइप से इस टाइप से करेंगे और फिर जो भी आपको फीलिंग भरना चाहते हो वो इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा फीलिंग भर लेने दे मेरे को। इस टाइप से फीलिंग भर के हम इसके कॉर्नर्स पर टॉप कॉर्नर्स पर पानी लगाएंगे हल्का सा और एक साइड से इसमें सल देंगे और फिर उस पूरे को बंद कर देंगे। आप इस तरह से नीचे रख के भी कर सकते हैं और ये आपका समोसा तैयार है। ये हमारे समोसे तैयार है। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें समोसों को डालेंगे और अब हम समोसों को इसमें डालेंगे।